की प्यारी सी बकरी जिसकी जो यूनिकनेस है वो है उसके लंबे कान, और अपने इन्हीं कानों की वजह से उसका नाम जो है वो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने वाला है। ठीक है, आइए मिलवाते हैं और देखते हैं कितनी क्यूट सी है, कितनी नॉटी सी है और किस तरीके से वो खेलती है। चलें मेरे साथ। भाई ये है प्यारी सी सिम्बी जो नहाय शरारती है, वो मुझे भगा भी रही थी और मैंने जो है वो इसको पकड़ के अपने साथ खड़ा कर लिया और ये भी भाग रही है तो मैंने इसको पकड़ा है और मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब भाई सिम्बी तो चली गई, लेकिन आपको बता दूँ इसके कान बहुत लंबे हैं, इसके 55 सेंटीमीटर के कान हैं जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो अब इसका जो है मैं हसन से मिलवाती हूँ आपको। हसन जो है वो उसने इस ब्रीड को बहुत ही प्यार से, बहुत ही तरीके से इसने पाला है इस ब्रीड को। तो हसन से मिलवाती हूँ और हसन से बात करवाती हूँ कि कैसे उसने जो ये खूबसूरत और अच्छी नस्ल की जो बकरी है उसको कैसे उसने ब्रीड किया, क्या खाती है सिम्बी, किस तरह रहती है और किस तरह तरीके से इसको रखा जाता है। ठीक है, आइए मेरे साथ। भाई हसन जो है वो सिम्बी के जो है वो उसके मतलब वो ये ब्रीड उन्हीं के पास है सिम्बी की, जिसके आप इतने लंबे लंबे कान देख रहे थे। सिम्बी मेरे हाथ तो नहीं आ रही थी, लेकिन हसन जिस तरीके से इसके नाज नखरे उठा रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हसन ने कितने नाज नखरों से इसको पाला है। अच्छा, अब हम हसन से पूरी डिटेल मालूम करेंगे और जो पूरी बात मैंने आपसे कही थी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली भी, वो भी हम हसन से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम। हसन मुझे ये बताओ कि ये इसमें सिम्बी के इतने लंबे कान हैं कैसे और ये ब्रीड क्या कोई ख़ास है? बेसिकली ये सूबा सिंध की ब्रीड है, इसको लेडी ब्रीड कहते हैं और आज से 25 से 30 साल पहले ये आम होती थी, लेकिन इस दौर के अंदर अब ये रेयर हो चुकी है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये क्या हम किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ भी जाने वाले हैं? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान में और ये पूरी दुनिया में बल्कि वाहिद फीमेल है जिसके इस एज के अंदर इतने लंबे कान हैं, और ये 55 सेंटीमीटर इसके कान है और इसकी करंट जो एज है वो 2 मंथ्स है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हम जो है वो अप्लाई कर चुके हैं इसके लिए? जी बिल्कुल, अप्लाई किया है और इंशाल्लाह 4 to 5 मंथ्स में उनका जो टीम है वो आएगी, विजिट करेगी और फिर इंशाल्लाह इसको रजिस्टर करेगी। अच्छा भाई, यहाँ पर सिम्बी तो है ही, सिम्बी के कान आपको मैं दिखा रही थी, ये देखें आप सिम्बी के कान 55 सेंटीमीटर के कान हैं, ये देखें आप ये, और सिम्बी हिले जा रही है, बॉडी लाइन से भी बड़े हैं। हाँ ये देखें आप, ये देखें, ये देख रहे हैं आप। अच्छा सिम्बी इस तरफ आओ तुम। तो भाई ये यासिर जो है ना, सिम्बी जो है वो इससे बहुत हिली हुई है। यासिर हम ले जाए तुम्हारी सिम्बी को? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ले जाते हैं ना हम बहुत सारे पैसे दे देंगे तुम्हें। नहीं नहीं, आप चाहे 5 करोड़ भी दे दें, मैं नहीं लूंगी। अच्छा तो 5 करोड़ से ज्यादा देंगे ना तो फिर यासिर में दे देगा? नहीं, 500 करोड़ भी दे दें, नहीं दूंगा। अरे भाई 500 करोड़ की तो औकात नहीं है हमारी, हम इतने नहीं दे सकते। हमारी भी नहीं है। मुझे अच्छा मुझे ये बताओ हसन कि यकीनन जो जब ये सिम्बी की जो है डिमांड आई होगी तो अरब्स में जो है वो इसकी काफ़ी ज़्यादा पसंदीदाई हासिल होती है ऐसे कैटल्स को, तो कोई डिमांड आई है, कोई ऑफ़र आई है इसके लिए? जी उन्होंने तो मुझे ब्लैंक चेक ऑफ़र किया था कि भाई आप इसका प्राइस फिल करें और हम आपको पे करेंगे, लेकिन हमने साफ मना कर दिया, हमने बोला हमने सेल ही नहीं करनी, हमने ब्रीड में से पाकिस्तान को प्रमोशन दिलानी है, पाकिस्तान को प्रमोट करना है, तो इस वजह से हमारा कोई इरादा नहीं, चाहे कितनी भी कोई ऑफ़र दे दे हम सेल नहीं करेंगे। भाई आपने देख लिया, अब हम जो है वो अपनी सिम्बी को जो है बिल्कुल भी सेल नहीं करने वाले हैं और हम कहीं भी जो है इसको वो नहीं करने वाले हैं, मतलब इसका जो मेन मोटिव है सिम्बी को ब्रीड को इसकी जो प्रमोट करना, वो पाकिस्तान को अच्छे अल्फाजों में जो है दुनिया में पहचाने ताकि लोग और इसकी प्रमोशन हो सके। तो भाई मैं आपसे लूँगी यहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।